अंग्रेजों के राज सिंहासनों को हिला देने वाला प्रथम समर स्वयं में अभूतपूर्व था, जिसने एक नए इतिहास का श्री गणेश किया। और 1857 की गदर नाम से विख्यात इस प्रथम समर की पृष्ठभूमि में 1842 का बुंदेला विद्रोह भी अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। प्रख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, जिन राजवंशों ने अंग्रेजी शासन के सिंहासन हिला देने के लिए भ्रुकुटी तानी थी, वे राजवंश ज्यादातर बुंदेलखंड के ही थे। उन्हीं राजवंशों में बानपुर राज्य के राजा मर्दन सिंह का नाम इस प्रथम समर के इतिहास में आज अमर है, और वो नक्षत्र के समान चमक रहा है। वे चंदेरी के राजा मोद प्रहलाद के ज्येष्ठ पुत्र थे, और उन्होंने कठोर और कष्टमय जीवन के अनुभव प्राप्त किए थे। वे रण कौशल, कूटनीति और राजनीति के व्यवहारिक धरातल से गुजर कर आए थे। जबकि राजा मर्दन सिंह के पिता मोद प्रहलाद इसके विपरीत रहे, इसीलिए उन्होंने अपना चंदेरी का राज्य तक खो दिया। वो तो राजा मर्दन सिंह ही थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ एवं कुशलता से पुनः राज्य प्राप्त कर 1830 ईस्वी में बानपुर को अपनी राजधानी बनाया। मर्दन सिंह अंग्रेजों की चालों को भली भांति समझते थे, साथ ही विलासिता के दुष्परिणाम अपने पिता के शासनकाल में देख चुके थे। इसीलिए आरंभ से ही उन्होंने अपना नया मार्ग चुन लिया था। वे भारत में अंग्रेजी शासन का अंत कर देने के पक्षधर थे, परंतु भारतीयता पर गर्व करने वाले मर्दन सिंह को अपने क्षत्रिय धर्म पर गुमान था। विवेक से काम लेना ही उन्हें प्रिय था। इसीलिए वे अंग्रेजों के कट्टर विरोधी होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप में अपने विरोध को प्रकट किए बगैर अपने मूल लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य एक ही था, भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए शाहगढ़ के राजा बखत बली उनके प्रमुख सहगामी रहे। दोनों ने आसपास के जागीरदारों और प्रभावशाली योद्धाओं को स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में आहुति देने का आह्वान किया। कुछ ऐसे ही आचरणों से अंग्रेजों की ललितपुर छावनी में कानाफूसी होने लगी। अंग्रेज अधिकारी मन ही मन इन पर संदेह करने लगे व इन पर विशेष नजर रखी जाने लगी। यही वो समय था जब मेरठ की छावनी से प्रथम समर की आग का धुआं उठा, कानपुर से उसकी चिंगारी चमकी, और बानपुर में वो दबी हुई आग ऐसी धधक रही थी कि वो विकराल रूप लेती दिखाई देने लगी। अंग्रेजों की ललितपुर छावनी इस दबी हुई प्रचंड आग से आशंकित हुई, लेकिन जब तक प्रत्यक्ष रूप से बानपुर का विद्रोह सामने नहीं आया, तब तक प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज भी कुछ कहने व करने की स्थिति में नहीं थे। अंग्रेजी खेमे में किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति ने धीरे से करवट बदली, और एक दिन अगर मैं गलत नहीं समझता हूं तो मेरा मन कहता है कि बानपुर का राजा मर्दन सिंह हमारे साथ कभी भी बगावत कर सकता है। सर, ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं? अभी तक तो उसने हमारे आदमियों की हिफाजत ही की है। वो भी मुझे पता है, कैप्टन सेल और डॉक्टर ओब्रियन हमारा ही लोग था जिनको उसने शरण दी और हिफाजत भी की। सर, ये बात कब हुई? मुझे तो इसका पता भी नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है? यू शट अप बेवकूफ कहीं खा। 12 और 13 जून को तुम कहां मर गया था जब ललितपुर में, हमारे छावनी में, मेरठ, बानपुर और झांसी वगैरह में आग भर कर था? ललितपुर छावनी के हिंदुस्तान सिपाहियों ने बगावत की थी, हमारे खजानों और आर्म्स स्टोर पर कब्जा करके हमारे ऑफिसरों के वो जान के दुश्मन बन गए थे। माय गॉड,
गार्ड ने सभी ऑफिसर्स की जान उस दिन बचा लिया। कुछ लोग थपसागर भाग गए थे और कुछ लोग बानपुर के राजा के शरण में पहुंचे था। ओह या सर, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। तब आप बानपुर के राजा पर शक क्यों करते हैं, जबकि उसने हमारे लोगों की आफत पाड़ने पर मदद की। यही तो खास बात है, बानपुर का राजा मदन सिंह बहुत चालाक है। हमारी मदद करना उसका ड्रामा था, ड्रामा। हमारे खुफिया डिपार्टमेंट का कहना है कि छावनी में हिंदुस्तानी सिपाहियों की बगावत करवाने में मदन सिंह का ही हाथ है। अगर ऐसी बात है तब तो हमें उसके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेने चाहिए सर। क्या क्या बोला तुम? एक्शन? बगैर किसी पक्के सबूत के हम एक्शन कैसे लेने को सकता है? तुम ठीक कहते हो, अभी हमको भी खूब ठीक का चाल चलना चाहिए। हम उसको ये शक भी ना होने दें कि हम उसका सब चालाकी जान गए हैं। हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे, जरूर रखेंगे। ओके, इस प्रकार दोनों ही पक्ष एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, परंतु बानपुर जो स्वतंत्रता के प्रथम समर का रणक्षेत्र बन, उसके सीने में दबी हुई आग दिनों दिन धधक कर प्रचंडता की ओर बढ़ने लगी। जब राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों को बानपुर में शरण दी तो बानपुर के रणबांकुरों को ये कार्य अच्छा न लगा। वे उन सभी शरणागत अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देने के पक्षधर थे। लेकिन राजा मर्दन सिंह जो एक ओर अंग्रेजी साम्राज्य का भारत से अंत कर देने का संकल्प लिए थे, तो दूसरी ओर भारतीयता के गौरव के लिए अपने क्षेत्रीय धर्म को महत्व देते हुए शरणागत की रक्षा करने के भी पक्षधर थे। राजा मर्दन सिंह की यही तो कूटनीति थी कि कुछ अंग्रेजों को संरक्षण देकर वे अंग्रेजों के विश्वास पात्र बन जाएं और अंग्रेजों के पेट के भीतर बैठकर विस्फोट करें। पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री A.N. सिंह। सह है कि छोटी लड़ाई में मर्दन सिंह चूंकि ऐसे इलाके के थे जहां पर बुंदेले लंबे समय से संघर्ष करते थे, तो युद्ध नीति और रणकौशल में तो अच्छे थे, लेकिन प्रश्न ये है कि इन लोगों के पास जो तोपें थीं वो पुरानी थीं, जिनमें जंग लग चुके थे, बंदूकें थीं वो भरमार थीं, लोग जो थे वो बिखरे हुए थे, तो इनकी मजबूरी थी कि बहुत लंबे समय तक लड़ाई में सफल नहीं हो पाते थे। इतिहासविद डॉक्टर सुरेश मिश्र। सबसे प्रमुख और क्रांतिकारी जो राजा थे वो थे बानपुर के महाराजा मर्दन सिंह, और मर्दन सिंह की विशेष सहायता वो बखत वाली मर्दन सिंह का कुछ ऐसा गठबंधन था कि अंग्रेजों के साथ सारी प्लानिंग इन लोगों ने की, और इनका ये संकल्प था कि किसी तरह झांसी को हम टूटना नहीं देंगे, क्योंकि नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, मर्दन सिंह और बखत वाली, ये एक ऐसा ग्रुप बन चुका था कि इनमें से कोई भी अगर परेशानी में आता है तो बुंदेलखंड अंग्रेजों के राज्य में जा सकता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के इतिहासविद डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। बानपुर का राजा मर्दन सिंह चंदेरी का इलाका वापस चाहता था और सागर का राजा बख्तवली घड़ाकोटा का इलाका वापस चाहता था। दोनों के स्वार्थ एक ही थे, अतः दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। दोनों की यह चाल थी कि अंग्रेजों पर अगर दबाव इस समय बना लिया गया तो निश्चित रूप से हम अपने अपने क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार राजा बख्तवली और राजा मर्दन सिंह, इन दोनों ने मिलकर सागर के आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया और यहाँ पर विद्रोह इतना तीव्र हो गया कि अंग्रेजों को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो हमारे पैर यहाँ से उखड़ जाए। सही मायने में अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति समस्त भारत में सबसे अधिक तीव्रता का जो केंद्र था वो सागर के आसपास ही केंद्रित हो रहा था। 10 मई 1857 को
मेरठ से जो विद्रोह की चिंगारी भड़की वो दिल्ली में भीषण रूप धारण करती हुई 4 जून 1857 को बानपुर में विकराल ज्वाला बन गई। भारतीय सेना ने अंग्रेजी खजाने और शस्त्रागार पर अपना अधिकार जमा लेने के साथ नाना साहब को राजा घोषित कर दिया। यही वो समय था जब 3 जून 1857 को अंग्रेजों के 2 बंगले जला दिए गए और उनके स्टार फोर्ट स्थित खजाने और शस्त्रागार को भारतीय सैनिकों ने लूट लिया। बहुत से अंग्रेज अधिकारी मार दिए गए। अंग्रेजी खेमे में भय समा गया। झांसी के डिप्टी कमिश्नर गार्डन ने भी अपने प्राण गंवाए। त्राहिमाम त्राहिमाम सब ओर था। इस प्रकार झांसी में अंग्रेजों के स्त्री बच्चों का जिस निर्दयता से संहार हुआ वो व्यवहार और कार्यप्रणाली बानपुर के राजा मर्दन सिंह को रास नहीं आई। जबकि राजा मर्दन सिंह अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने को संकल्पित थे, परंतु भारतीयता के ही परिप्रेक्ष्य में अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए वे नैतिकता के साथ इस प्रथम समर को शौर्य के साथ जीतना चाहते थे। राजा मर्दन सिंह बानपुर से चलकर ललितपुर के निकट ग्राम कसौरा में ठहर गए। वहां से अपने गुप्तचरों के द्वारा 11 जून को झांसी का समाचार ललितपुर की छावनी में प्रसारित किया गया। ललितपुर छावनी के अंग्रेज अधिकारी भय से कांप उठे। इस प्रकार 12 और 13 जून की मध्य रात्रि में जो ललितपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, उसके सूत्रधार गुप्त रूप से बानपुर के राजा मर्दन सिंह ही थे, जिसे अंग्रेज समझ ही नहीं सके। न केवल बानपुर वरन समूचा बुंदेलखंड ही इस प्रथम समर का रणक्षेत्र बन चुका था। घर घर में आजादी की लड़ाई की चिंगारी पहुंच चुकी थी। बानपुर जो है वो ललितपुर से अगर आप जाएं इधर छतरपुर जाएं कभी जी जी रास्ते से जी, तो रास्ते में बानपुर पड़ता है। किला बड़ी बड़ी खराब हालत में है। वो वहाँ के मर्दन सिंह थे जी। तो मर्दन सिंह और बखत बेली का निरंतर संपर्क बना हुआ था। इतिहासविद डॉक्टर सुरेश मिश्र, उन दोनों ने मिलकर ही सारी रणनीति तैयार की थी। विद्रोह की शुरुआत भी दोनों ने मिलकर की और वो लगातार साथ भी रहे, रणनीति लगातार बनाते रहे। और जब तात्या टोपे का साथ देने का मौका आया, रानी झांसी की रानी को साथ देने का मौका आया, तो इन दोनों ने साथ में कदम उठाए। और मर्दन सिंह और जो बखत बली हैं, इन्हीं लोगों की खास बात, एक बात ये भी लगती मुझे कि इन्होंने आसपास के लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त किया। जैसे बखत बली हैं, बखत बली अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अगर अंबापानी के नवाब भोपाल के नवाबी से असंतुष्ट हैं, विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो बखत बली उनका भी सहयोग है। और राहतगढ़ का जो किला जीता गया जी जी, बखत बली के साथ मर्दन सिंह भी रहे हैं। ये मर्दन सिंह भी थे और ये जो अंबापानी के नवाब थे जी जी, ये दोनों थे। अच्छा अच्छा। तो और तो ये इनका फिर अगर हिंडोरिया का मामला है तो हिंडोरिया के जो किशोर सिंह थे दमोह जिले के जी जी, वो भी इनके साथ थे। अच्छा। तो बखत बली एक तरह से एक धुरी हो गए उस सारे आंदोलन की जी जी। और सारे जो आंदोलनकारी थे, विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, वो बखत बली को देख रहे हैं जी। बखत बली उस सारे अंचल के नेता हो गए, ऐसा नहीं कि केवल शाहगढ़ के राजा थे वो जी। क्या बूढ़े क्या बच्चे, पुरुष और महिलाएं देश की बलि वेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर देने को उतावले हो उठे। छोटे छोटे बच्चे भी उत्सुक होकर गा उठे। माँ छोटी तलवार दिला दे, हम लड़ने को जाएंगे। माँ छोटी तलवार दिला दे, हम लड़ने को जाएंगे। गुरु की काली करतूते अब न सहन कर पाएंगे। गुरु की काली करतूते अब न सहन कर पाएंगे। माँ छोटी तलवार दिला दे, हम लड़ने को जाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो 1842 का बुंदेला विद्रोह अब अपनी 15 वर्ष की आयु पार कर तरुणाई में लाल हो गया हो। 1842 से 1857 तक आते आते अंग्रेज
न केवल बानपुर वरन समूचे बुंदेलखंड से भयभीत तो हो ही रहे थे, साथ में उनकी पूरी शक्ति अब बुंदेलखंड को तबाह कर देने में लग चुकी थी। मेरठ, बानपुर, दिल्ली, झांसी के साथ समूचा बुंदेलखंड मानो अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन चुका था। अंग्रेज नित नई चालें चलते और बानपुर के रणबांकुरे उनके मजबूत मंसूबों को रेत के किले के समान पल में ढहा देते थे। ये क्रम सतत चल रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ बुंदेले रणबांकुरे जब मोर्चा लेते तो अंग्रेजों की आंखों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन खास बात ये थी कि अभी तक बानपुर के राजा मर्दन सिंह की कोई भी विद्रोही गतिविधि उजागर नहीं हो सकी थी। वे पृष्ठभूमि में रहकर ही ये सब संपन्न करा रहे थे। 3 जुलाई को जबलपुर से अंग्रेज कमिश्नर ने राजा मर्दन सिंह को पत्र भेजा, जिसमें सागर में पनप रहे विद्रोह का दमन करने का आग्रह करते हुए कहा था कि वे सुपरिटेंडेंट मिस्टर हिनकिन को मदद करें और चंदेरी के राज्य से विद्रोहियों को सागर आने से रोकें। पत्र पढ़कर राजा मर्दन सिंह को संतोष हुआ कि अंग्रेजों की जबलपुर कमिश्नरी उनके वास्तविक रूप से परिचित नहीं है। जबलपुर कमिश्नरी का ये भ्रम भी कालांतर में टूट गया। मालथोन पर मेजर मैसेन की सेना में भीतरघात के साथ तोड़फोड़ और सागर की छावनी में विद्रोह जैसी घटनाओं की जड़ में राजा मर्दन सिंह का होना अब देर से ही सही अंग्रेज समझ चुके थे। इसीलिए 10 जुलाई 1857 को राजा मर्दन सिंह को पत्र लिखा गया, जिसके अनुसार राजा मर्दन सिंह को चंदेरी और ललितपुर के शासन प्रबंध से अलग करने का स्पष्ट आदेश था। उस पत्र में ये भी लिखा था कि वो बगैर अंग्रेजी सरकार की स्वीकृति के अपनी सेना कहीं भी नहीं भेज सकेंगे। राजा ने उस पत्र को पाते ही चंदेरी के अंग्रेजों को बंदी बनाकर चंदेरी को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब तो अंग्रेजों के प्रति एक स्वाभाविक घृणा का भाव यहाँ के जन जन में समा गया। अंग्रेज अब भयभीत हो रहे थे। 20 जुलाई 1857 को शाहगढ़ के राजा बखत बली ने राजा मर्दन सिंह को पत्र लिखकर अपने यहाँ घटित घटनाओं को बताते हुए उन्हें सागर पर आक्रमण कर देने की बात लिखी। ये पत्र राजा मर्दन सिंह को 22 जुलाई को खुरई में मिला। पत्र मिलते ही उन्होंने 1300 सिपाहियों को लेकर सागर की ओर कूच किया। नरियावली होते हुए राजा मर्दन सिंह सागर की सीमा पर पहुंचे और सागर के सुदृढ़ किले पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। इससे अंग्रेजों का साहस चकनाचूर हो गया। अंग्रेजी सेना किले में मानो कैद होकर रह गई। सब कुछ उनका नष्ट होने पर भी उनकी युद्ध सामग्री पूरी तरह नष्ट न हो सकी थी। वे किले के भीतर अपनी रक्षा कर लेने में ही खैर मना रहे थे। जब राजा मर्दन सिंह ने सागर के किले को घेर लिया था और अंग्रेजों के तोपखाने पर आक्रमण किया, तो ब्रिगेडियर मिस्टर सेज ने उनके विरुद्ध अपनी सेना बढ़ाई। राजा मर्दन सिंह ने पैंतरा बदला और अपनी सेना को पीछे हटा लिया, परंतु अंग्रेजी सेना और आगे बढ़ने का साहस न कर सकी। अंग्रेजों ने किले का सहारा छोड़ना ठीक न माना। मर्दन सिंह ने भी अपना घेरा तोड़ दिया और स्थिति जस की तस हो गई। 17 सितंबर 1857 को राजा मर्दन सिंह ने सागर पर दोबारा आक्रमण किया। सागर नगर के राहतगढ़ द्वार पर विद्रोही बानपुर सेना के गोलों के धमाके गूंज उठे। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। राजा मर्दन सिंह बाज की तरह अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। अंग्रेज सेनापति कैप्टन डेलिल इस युद्ध में मारा गया।
अंग्रेजी फौज की बहुत क्षति हुई और बानपुर के रणबांकुरों ने उसे खदेड़ दिया। झांसी सहित देश की राजनीति पल पल में बदल रही थी। सागर से झांसी की ओर अंग्रेजी सेना को राजा मर्दन सिंह बढ़ने नहीं दे रहे थे। 6 जनवरी 1858 को इंदौर से सर ह्यूरोज ने सागर के लिए विशाल सेना के साथ कूच किया। वो बानपुर के विद्रोहियों का खात्मा कर देने को कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। 24 जनवरी 1858 को ह्यूरोज राहतगढ़ पहुंच गया। राहतगढ़ ने भी इस बीच राजनीति के बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए थे। ह्यूरोज की सेना ने राहतगढ़ के किले पर गोले बरसाए और किले की एक दीवार तोड़ने में वो सफल हुआ। किले की दीवार टूटने का मतलब ह्यूरोज की सेना का किले में आसानी से प्रवेश और किले पर अधिकार कर लेना था। लेकिन ऐसा हो न सका। दीवार के टूटते ही पीछे से बानपुर के रणबांकुरे राजा मर्दन सिंह के नेतृत्व में ह्यूरोज की सेना पर टूट पड़े। ह्यूरोज की सारी सैनिक शक्ति दो भागों में बंट गई। ये सब देखकर ह्यूरोज ये निश्चय नहीं कर सका कि राजा मर्दन सिंह के इस आक्रमण का दृष्टिकोण क्या था। किले के भीतर से भी विद्रोही सिपाही लड़ रहे थे और बाहर से बानपुर के वीर तराना छेड़ते हुए अपना पराक्रम दिखा रहे थे। बढ़े चलो। चम चम के तलवारें फौजे दुश्मन की हारे बढ़े चलो। दहलाना है गोरा नाम मिटाना है आजादी अब लाना है बढ़े चलो। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857-58 वॉल्यूम 5 में स्पष्ट लिखा गया कि ही राजा ऑफ बानपुर केम ऑन विद ग्रेट बोल्डनेस हिज स्टैंडर्ड्स फ्लाइंग एंड हिज मैन सिंगिंग देयर नेशनल राइम्स। 30 जनवरी 1858 को ह्यूरोज ने राजा मर्दन सिंह के विरुद्ध बरोदिया पर आक्रमण किया। एक ओर ह्यूरोज की विशाल सेना तोपखाना आदि और दूसरी ओर मर्दन सिंह के थोड़े से सिपाही, वो भी अंग्रेजों के मुकाबले में शस्त्रहीन से ही। लेकिन बानपुर के रणबांकुरों ने यहाँ भी उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। राजा मर्दन सिंह ने मालथोन के निकट नारहट घाट पर
यूरोज का रास्ता रोका ताकि वो झांसी की ओर न जा सके। यूरोज ने अपना मार्ग बदल दिया। माल्थौन के रास्ते सिर्फ थोड़े से सिपाही राजा मर्दन सिंह को छलावा करने हेतु भेज दिए गए और वो स्वयं भारी फौज लेकर मदनपुर मड़ावरा के मार्ग से निकलने में सफल हो गया। इस मार्ग में भी उसे शाहगढ़ के राजा बखतबली से युद्ध करना पड़ा। यदि मर्दन सिंह भी माल्थौन छोड़कर यहाँ आ गए होते तो निर्णायक युद्ध यहीं समाप्त हो जाता। मार्ग के छोटे मोटे किलों को ध्वस्त करता हुआ यूरोज बानपुर जा पहुंचा। प्रथम समर के इस रण क्षेत्र के योद्धा वहां थे ही नहीं। तोपों ने बानपुर के किले पर गोले बरसाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते बानपुर का किला ध्वस्त हो गया। किले का वो मोती बंगला अपनी दीवारों के टूट जाने पर भी मानो छत की एक दीवार के सहारे ध्वस्त किले को छाया दे रहा था। इस प्रकार 10 मार्च 1858 को यूरोज ने बानपुर पर अधिकार कर लिया। लेकिन बानपुर का शेर यानी राजा मर्दन सिंह उसके हाथ फिर भी नहीं आया। आता भी कैसे, अभी तो प्रथम समर का श्री गणेश ही था। ताल बेहट झांसी का समर अभी शेष था जो यूरोज के लिए लोहे के चने बना हुआ था। बानपुर के बाद ताल बेहट होती हुई यूरोज की सेना झांसी की ओर कूच कर गई और प्रथम समर की रणभूमि बानपुर मानो पराजित होकर भी रण के गीत गा रही थी। बड़े चलो, बड़े चलो। दहलाना है, गोरा नाम मिटाना है, आजादी अब लाना है। बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। चलो।